अयोध्या मामले पर एक साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था, जिसमें मस्जिद को 5 एकड़ जमीन अयोध्या को देने का फैसला किया था। विवाद वाली जगह रामलला को दे दी गई थी। इसके बाद मस्जिद निर्माण को लेकर एक याचिका कोर्ट में लगाई गई थी, जिस पर कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं। तो क्या निर्देश दिया है कोर्ट ने, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट में। भगवान राम की नगरी अयोध्या में 5 एकड़ क्षेत्रफल में मस्जिद का रास्ता साफ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद निर्माण के लिए गठित कमेटी इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट में सरकार के नुमाइंदों को शामिल करने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि अयोध्या में मस्जिद के लिए बनी इस्लामिक फाउंडेशन में केंद्र या फिर राज्य सरकार का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं होगा। कोर्ट ने इस पर विचार करने से भी मना कर दिया है। याचिका में कहा गया था कि जिस तरह राम जन्मभूमि ट्रस्ट में सरकारी प्रतिनिधि हैं, वैसे ही मस्जिद के ट्रस्ट में भी होने चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड को राम मंदिर की जमीन के बदले अलग जमीन दी थी, जहां मस्जिद बनाने का आदेश दिया गया था। ये मस्जिद इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन बनाएगी। इसमें सभी सदस्य वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं। वहीं अयोध्या में मस्जिद निर्माण से जुड़े इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के अध्यक्ष फारूकी ने कहा कि नई अवसंरचना बाबरी मस्जिद से बड़ी होगी। उन्होंने कहा कि हम अयोध्या में मस्जिद और अन्य प्रतिष्ठानों का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए जोर शोर से कार्य कर रहे हैं। हम विश्व स्तरीय प्रतिष्ठान के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सलाह ले रहे हैं। वहीं फारूकी ने कहा कि यहां पर एक अस्पताल निशंदेह प्रमुख केंद्र होगा। यह पैगंबर द्वारा बताई गई इस्लाम की सच्ची भावना के अनुरूप मानवता की सेवा करेगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।